सभी को कुश्ती बहुत अच्छी। आज विजेता हरियाणा के हैं बग्गा पहलवान, वो आज विजेता रहे हैं और जो नंबर दो पे रहे हैं वो भी हरियाणा के। ये दंगल तो एक्चुअली हमारे जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान से ही बनाते चले आए हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे पंजाब, तो फिर पंजाब में हुआ करता था और यहाँ हम लोग करीबन 65 में आए हैं और तब से दंगल यहाँ लगातार ग्राम धनौरा में बाबा होरी वाले की जगह बनी है उसी को मानते हैं और तब से ये दंगल। कमेटी देती है, भरपूर इनाम देती है कमेटी। विजेता को एक झंडी के रूप में रखा जाता है, इनाम वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तादाद में तो देख लीजिए पूरा इलाका, ये दो दिन कम से कम 4 नवंबर और 5 नवंबर कोई काम नहीं करते हैं, इतने शौक से देखते हैं। पब्लिक तो यहाँ 40-50 हज़ार पब्लिक तो होती है। ठीक, आज का बहुत बढ़िया रहा है, बहुत भारी संख्या में पब्लिक यहाँ पर पहुँची हुई है। बाकी जितने भी पहलवान आते हैं उनका मान सम्मान हम लोग बढ़िया करते हैं, उनका रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है और उनको सभी को सम्मानित किया जाता है। जो झंडी पर हैं या बाकी पहलवान हैं, सभी पहलवानों को इनाम दिया जाता है। बहुत अच्छा दंगल है, पूरे पिछले 40 साल से दंगल आजाद भूरे वाले के नाम से हो रहा है और यहाँ पे हरियाणा पंजाब और दूर दूर के पहलवान यहाँ आते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं और बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। नेपाल के भी कई पहलवान आए हैं जिनकी जो है काफ़ी अच्छी भूरी भूरी पसंद से की जा रही है और बहुत अच्छी कुश्ती भी झंडी वाली हुई है और पहलवान अपना हुनर दिखा रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं।